हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम सीजीएल मेंस 2021 के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इस लेक्चर से पहले हम सारे तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, सारे अल्जेब्रा के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और सारे ट्रिगो के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारे क्वेश्चंस को समझाया गया है। तो आपका जो एडवांस मैथ्स है, उसमें से जो मेन पोर्शन आपका, मेनली आपका ये मेन सॉल्यूशन का पोर्शन बचा है, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सॉल्यूशन देखने के बाद आपको एक आइडिया होगा कि हमें एक्चुअल में पेपर को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, और देखिए, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 22 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। आप मुझे एक चीज बताइए कि जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। कर्व सरफेस एरिया होता आपका 2πr², ठीक, और आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr², ठीक। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे, बड़ा ध्यान से देख के, कि आपको 2 की वैल्यू गिवन है यहाँ 22, ठीक है। 2πr² की वैल्यू अगर 22 गिवन है, मैं कह सकता हूं कि 2πr² तो यहां भी है और यहां भी है, 2 की वैल्यू अगर आपको 22 गिवन है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 33, ये आपका आंसर होगा। बाकी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका था। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया एंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2068 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, आप मुझे बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का। वो होता है आपका πr² × h, ठीक है। अब देखिए, पाई का मान आपका 22/7 होता है और 22/7 में आपका 11 हेडन होता है। तो सबसे पहले आप 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो मैं अगर पहला ऑप्शन चेक करता हूं तो देखिए 8 और 3 11 0, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। इसको देखता हूं तो 6 और 2 8 और 7 0 नहीं है। यहां देखते हैं तो 8 2 10 4 नहीं है। यहां देखते हैं तो 6 और 2 8 0 नहीं है। इसलिए एक ही ऑप्शन आपको टिक करके आगे बढ़ जाना था। बट मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन समझा देता हूं इस क्वेश्चन का। ये कहना क्या चाह रहा है, इसने बोला है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आपको सम गिवन है। आप मुझे बताइए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h। तो 2πr × h प्लस में टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2πr × r + h, और ये गिवन है आपको कितना, 2068 के बराबर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप एक काम करिए, इसमें से 2πr कॉमन ले लीजिए दोनों में से। यहां भी 2πr आपको दिख रहा है, यहां भी 2πr दिख रहा है, तो मैंने 2πr कॉमन ले लिया और यहां बचा आपका h और यहां बचा r + h। तो h और h 2h + r, ठीक, बराबर 2068। अब आप वैल्यू पुट करिए, ठीक। अब मुझे बताइए 2 × π का मान मैं रखता हूं 22/7 × रेडियस आपको गिवन है कितनी, 7। तो मैं यहां 7 लिख लेता हूं, 2h + 7 बराबर 2068 आपको गिवन है, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मुझे बताइए, देखिए 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 8 88, 11 8 88, 2 दूनी 4 से काटेंगे तो आपका 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, और देखिए 47 में 7 जाएगा तो 40 बचेगा आपका, 2h = 40। तो आपके h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, ठीक। अगर h की वैल्यू 20 आ चुकी है तो आपको ये निकालना है क्या, वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, बस आपका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम बनेगा आपका पाई का मान 22/7 × r की वैल्यू आपको गिवन है 7, ठीक है। तो आप 7 × 7 r² × h की वैल्यू आपने निकाल लिया 20, ठीक है। तो 1 7 से तो 7 कटेगा, 22 सत्ते 154, 154 दूनी 308, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 3080। ये आपका आंसर है, देख लीजिए, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीके, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको हाइट गिवन है इसकी 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा एरिया ऑफ इट्स बेस, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए आपका वॉल्यूम क्या होता है भाई, किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है। अब देखिए, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको हाइट गिवन है, एरिया ऑफ द बेस पूछा है, ये क्या इजी क्वेश्चन। देखिए, तो आपको एरिया ऑफ द बेस को अगर मैं ए मानता हूं तो ए इंटू में हाइट आपको गिवन है 20 और वॉल्यूम आपको गिवन है 4800,
इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे तो 480, 240 बार, तो एरिया हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ द बेस 240, ऑप्शन तीन आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दिस स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन इज 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इट्स बेस इज 616 सेंटीमीटर होकर, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। देखिए यहाँ मेन क्वेश्चन में आपके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है। कर्व सरफेस एरिया मुझे बताइए आपका होता क्या है, ये होता है आपका किसका, कौन का, ठीक है, वो होता आपका पाई आर एल। अब देखिए आपको जो निकालना है उसमें से आपको यहाँ स्लांट हाइट यानी कि एल तो आपको गिवन है, आपको निकालनी है आर, आर के लिए आपको यहाँ एरिया गिवन है 616, इसमें से आप आर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पाई का पाई का मान 22/7 यानी कि मैं 11 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं, दो क्या एक्चुअली तीन ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, कौन का जो एरिया होता है वो एक स्क्वेयर के, ये सॉरी ये सर्कल के फॉर्म में होता था यानी कि पाई आर स्क्वेयर, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वेयर बराबर आपको गिवन है 616। देखिए मैं यहां से एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अभी आप इसको सॉल्व करने दीजिए पहले। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं 11 से काटता हूं तो 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटता हूं तो 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 2 से काटता हूं तो 28 बार, तो यहां से आर स्क्वेयर की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 28, को आप लिख लीजिए 7 इंटू में 4 इंटू में ये वाला 7। ठीक है, तो 7 तो आपका बनेगा, रेडियस कितनी आएगी 7 दूनी 14। आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे। अब आप, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर देखिए मेरी रेडियस अगर मुझे 7 गिवन है किसी सर्कल की, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपको 44, ये आप निकाल के देख सकते हैं 44 आएगा, और जो आपका एरिया होता है वो होता है 154। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने जो मेरी रेडियस है मैंने इसको डबल कर दिया। ठीक है, तो रेडियस बन गई मेरी 14। अब मैं क्या करता हूँ, रेडियस अगर मैंने डबल किया तो मुझे पेरीमीटर भी मेरी डबल हो जाएगी। पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेरीमीटर भी डबल हो जाएगी, मतलब कि 44 से 88 हो जाएगी, और जो आपका एरिया होगा यहाँ मैंने डबल किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो एरिया बनेगा, ठीक है, वो बनेगा मेरा 4 टाइम्स, तो मेरा बनेगा 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 61। अब आपको यहाँ अगर आपको ये चीज है ना, आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है एक्चुअली, अगर आपको एग्जाम के लिए ये चीजें याद थी तो आप देखते ही समझ जाते। अगर मुझे एरिया, मुझे अगर ये एरिया गिवन है ना, एरिया ऑफ द बेस, अगर मुझे एरिया 616 गिवन है तो मेरी रेडियस डायरेक्टली 14 है, आपको यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आप मुझे बताइए, आपसे पूछा है सी एस से, तो आपका आएगा पाई का मान 22/7 इंटू में आर की वैल्यू मैं रखूंगा मैं 14, और एल की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 20, स्लांट हाइट गिवन है 20। ठीक है, तो देखिए 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो आपका बनेगा ये 20 दूनी 40, 22 चौक 88, मतलब कि 880 आपका आंसर होगा, ऑप्शन वन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा थी, बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, इफ दी हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10√3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए क्या, कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का वो होता क्या कितना है, टोटल सरफेस एरिया होगा आपका, आप लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द बेस जोड़ दीजिए। बेस आपका किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यहाँ आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, एक रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस, तो आपका, अब आपको निकालना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया। तो आपका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूं, लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका पेरीमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट, ये होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ लेटरल सरफेस एरिया आपका हो कितना गया, पेरीमीटर आपको गिवन कितना है, पेरीमीटर आपको देखिए निकालना है पेरीमीटर, तो आपको एक्चुअली आपका साइड गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 10, तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा 30 इंटू में हाइट कितनी गिवन है आपको 10√3, तो कितना बनेगा आपका लेटरल सरफेस एरिया 300√3। ठीक, ये आपका 300√3 आ चुका है लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है
एरिया ऑफ द बेस, आप मुझे बताइए बेस क्या गिवन है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपका रूट थ्री बाई फोर इंटू में ए स्क्वेयर, यानी साइड का स्क्वेयर 10 बाय 100, ठीक। और ये कटेगा आपका 25 बार, तो एरिया आ जाएगा आपका 25√3। और देखिए आप प्रिज्म की आकृति आपको पता होनी चाहिए, जो जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप टॉप होता है, तो यहाँ एरिया ऑफ द बेस 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो आपका लेटरल सरफेस एरिया तो आपने निकाला है 300√3 प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द बेस आपका 25 दूनी 50√3 बनेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 350√3, 350√3, ये आपका ऑप्शन 2 आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बहुत जल्दी मेंस्ट्रुएशन की एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ वो लेक्चर मिलेगा। तो अभी थोड़ा वेट करिए, मैं आपको बहुत जल्दी वो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, तब मैं इसका डिटेल आपको समझा दूंगा ये कैसे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स। देखिए एक आकृति को जब दूसरी आकृति में बदला जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो मुझे बताइए अगर मैं जो जो बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³, यानी 42 × 42 × 42 बराबर, मैं दोनों का वॉल्यूम बराबर रख देता हूँ, 4/3 πr³। आर कितने के बना आपको, 7 × 7 × 7 कह रहा है, इतने कितने बनेंगे, तो मैं नंबर एन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 4/3 π से 4/3 π कट जाएगा, 7 से ये 6 बार और ये भी 6 बार और ये भी 6 बार, ठीक है, इन दोनों 7 से, तो 6³ आपका जो बनेंगे नंबर कितनी संख्या में बनेंगे, वो बनेंगे 6³ 216, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना था, आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ध्यान आपको पता चल जाएगा। देखिए 4/3 π तो दोनों तरफ कट ही जाएगा आपका, ये 7 से कटेगा 6 बार और क्यूब होता है 6³ 216, आपको पेन नहीं चलाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इस बार बेस और उसकी साइड्स गिवन है 9/12 15, ये ट्रिपलेट्स है, ठीक है। कह रहा है इसका वॉल्यूम भी गिवन है 648, तो इसकी हाइट पूछिए। अभी मैं आपको समझा के आ रहा हूं कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। अब मुझे बताइए वॉल्यूम आपको गिवन है 648, एरिया होगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मैं आपको डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट समझाने के लिए थोड़ा बना देता हूँ छोटा सा। इसने बोला है 9/12 15 की ट्रिपलेट्स है, तो 9/12 15 सबसे बड़ा हमारा हाइपोटेनस होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए, 12 नंबर 108 का आधा 54, ठीक है भाई, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू में बेस, तो ये कटेगा 6/2 से, तो 9 6 54, ठीक है। तो यहां से आप निकालेंगे आपका एरिया तो आ चुका है 54 और हाइट आपको निकालनी है, बस इतना आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 54 से काटेंगे तो 54 से 1 बार कटेगा, बचे 10 54 दूनी 108, तो 12 आ जाएगी आपकी हाइट, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। दी वॉल्यूम ऑफ ए कॉन हुज रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट आर आर एंड एच रेस्पेक्टिवली, और कह रहा है इसका वॉल्यूम गिवन है वो है, देखिए एक कॉन है जिसकी रेडियस और हाइट वो आर और एच है, और उसका वॉल्यूम गिवन है आपको 400 सेंटीमीटर³। कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कॉन हुज रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर 2r और h रेस्पेक्टिवली। आप मुझे बताइए वॉल्यूम कितना होता है कॉन का, ये होता है आपका 1/3 πr³, ठीक है। यहाँ 1/3 और पाई वॉल्यूम होता है 1/3 πr² × h, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको 1/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आपके जो वैल्यू डिपेंड कर रही है वॉल्यूम की वो रेडियस और हाइट पर डिपेंड कर रही है। आप मुझे बताइए पहले उसकी रेडियस और हाइट कितना थी, अगर मैं रेडियस और हाइट की बात करता हूं तो पहले रेडियस थी हमारी 1, मैं रेशियो में अगर बात करता हूं तो रेडियो में रेडियस पहले 1 थी और बाद में कितनी हो गई, जो बाद में पूछ रहा वो होगी 2, ठीक है। आर आर रेशियो देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, आर रेशियो 2 आर, तो आर से आर तो कटी कटी जाना था, 1:2,
तो पहले अगर रेडियस एक थी तो अभी कितनी हो गई, टू। और हाइट की ये बात कर रहा है कि पहले भी एच थी और अभी भी एच है, तो मैं कह सकता हूं कि पहले भी वन थी और अभी भी वन है। आपसे बोला है कि इसका वॉल्यूम की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम की अगर बात करता हूं तो मुझे बताइए, आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आर स्क्वेयर इंटू में एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू में एच होता है, ठीक है। तो आर स्क्वेयर इंटू में एच, इस वन का स्क्वेयर करेंगे 1 इंटू में 1, तो ये आपका आएगा 1, और आर स्क्वेयर इसका स्क्वेयर करेंगे तो बनेगा आपका 2 का स्क्वेयर 4 इंटू में 1 4। तो इसने बोला है कि अब पहले वॉल्यूम 1 था और अब हो गया 4। पहले जो 1 था उसकी वैल्यू आपको गिवन है 400, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 400 आपको गिवन है तो 4 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 400 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1600। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 37 सेंटीमीटर मोर देन दी रेडियस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर मैं देखिए इसका वो पाई का मान, यानी कि मैं 11 का मल्टीपल चेक करता हूं, तो मुझे बताइए 9 और 5 14, 14 में से 3 गए तो 11 ये है। यहां देखता हूं तो 5 और 4 9 8 नहीं है, यहां देखता हूं तो 4 और 2 6 4 नहीं है, यहां देखता हूं 4 4 8 7 नहीं है, इसलिए एक ही ऑप्शन था, ये आपको टिक करके आगे बढ़ जाना था, ठीक। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिले थे मेंस में, तो मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, मैं इसलिए समझा देता हूं क्या कर रहा है। सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफेरेंस होता आपका 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर की जो वैल्यू गिवन है आपको, कह रहा है ऑफ इट्स बेस इज 37 मोर देन इट्स रेडियस, ठीक है। अगर ये रेडियस से कितनी ज्यादा है, 37, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस आर को इधर ले आइए और पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो 44/7 आर माइनस में आर बराबर बनेगा आपका 37। इसमें से आर कॉमन लीजिए, आर कॉमन लेंगे तो आपका 44 में से 37 जाएगा, तो 44 में 7 जाएगा, तो आपका 37/7 रखा जाएगा यहाँ। आई होप इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो मुंजवानी, ठीक है। अब आप देखेंगे बड़ा ध्यान से कि आपका 37 से 37 कट जाएगी तो आपकी रेडियस आ जाएगी 7। अगर आपकी रेडियस 7 आ चुकी है तो आपसे पूछा क्या, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई का मान 22/7 इंटू में आर की वैल्यू आपने निकाली है 7 इंटू में 7, और हाइट आपको गिवन है कितनी, 35, ठीक है, 35 रख दीजिए। बस ये आपको सॉल्व करना है, 7 से 7 कट गया, आप गुना करेंगे तो 22 सत्ते 154 गुना में 35, 5 से गुना करिए 5 चौक 20, 2 15 15 75 और 270 गुना में 3 से करेंगे 3 चौक 12, 15 तीन 45 और 1 46, आंसर आएगा आपका 2 9 7 6 13 और 5 5390। लिख लीजिए ऑप्शन 1 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए दी हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इसने बोलिया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस, और रेडियस आपको 14 गिवन है। देखिए अगर आपको रेडियस 14 गिवन है तो बोल रहा है इसकी जो हाइट है वो इस रेडियस से 6 ज्यादा है, मतलब कि 20 है। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे बताइए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई का मान 22/7, रेडियस की वैल्यू रखेंगे आप 14 इंटू में 14 इंटू में हाइट 20, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 7 से काटेंगे 2 बार, तो कैसे करेंगे, देखिए आप करेंगे 14 दूनी 28, 28 से मैं 22 में गुना करता हूँ, 28 दूनी 56 5, 28 दूनी 56 और 5 61 गुना में 20 0, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 छक्के 12, 1320 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दी हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 45 सेंटीमीटर, द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 132, देन व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मुझे बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होता कितना है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ हाइट गिवन है, आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस आप कहां से निकालेंगे, सर्कमफेरेंस से। देखिए मैं आपको पहले निकाल के बताता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस आपको निकालनी है, हाइट आपको गिवन है, आपको 2 पाई आर होती है, सॉरी 2 पाई आर बराबर होगी आपकी 132, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, 11 से काटेंगे पहले, 22 से 6 बार कटता है, 22 पंजे 110, 22 छक्के 132, ये 6 बार कटता है, 2 से कटेगा 3 बार, तो आपकी रेडियस आएगी 21, ठीक। अब ये रेडियस 21 आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, वो कैसे, देखिए मैं आपको
एक क्वेश्चन में बता क्या रखा हूं कि अगर जब हमारी सर्कल की रेडियस 7 होती है तो आपके पेरीमीटर कितनी होती है? 44। ठीक है, अब आप इसने बोला है कि जो पेरीमीटर है वो तो इसने 132 गिवन है। भाई 132 गिवन है तो मुझे बताइए 32 का कितना गुना है? 3 गुना है, 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 और 1 13, 132 3 गुना है। तो मुझे बताइए रेडियस भी आपकी 3 गुना होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब आपकी रेडियस 21 थी। आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे। आपको ये चीजें याद रखने वाली होती है। ठीक है, वो मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ। अब आपको सी एस से निकालना है तो निकाल दीजिए। वैल्यू पुट करिए 2 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस आपने निकाली है 21 और हाइट आपको गिवन है 45, तो रख दीजिए वैल्यू 45। ठीक है, तो 45 देखिए 7 से काटेंगे तो बनेगा आपका 3 बार। आप देखिए 45 दूनी 90, 90 तिया 270, 270 गुना में 22, तो 0 27 दूनी 54, 5 27 दूनी 54 और 5 59 140 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ए लार्ज सॉलिड स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म 8 इक्वल स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द ऑल 8 स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियस आपको 14 गिवन है और 8 ये मेल्ट करके 8 छोटे स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स में फॉर्म किया गया है। तो मुझे बताइए दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा? तो आपका जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, मतलब कि 14 का क्यूब, 14 × 14 × 14 बराबर 8 स्मॉल, 4/3 πr³ रेडियस यहाँ आपको निकालनी है, इनमें बदला गया है। ठीक है, दोनों का मैंने वॉल्यूम बराबर कर दिया। अब आप मुझे बताइए 4/3 π से तो ये कट ही जाना है, और अगर मैं यहाँ 2 से काटता हूं तो 4 बार, 2 से काटता हूं तो 7 बार, 2 से काटता हूं 7 बार, 2 से 2 बार और 2 से ये 7 बार। आर क्यूब आपको 7 की क्यूब आ गई आपकी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, अगर आपकी आर की वैल्यू 7 आ चुकी है तो इसने बोला है टोटल सरफेस एरिया बताइए और वो भी 8 का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालता हूं तो टोटल सरफेस एरिया आपका होता है इसका सॉलिड स्फीयर का 4πr², 4πr². ठीक है, तो 4 × π का मान 22/7 × 7 × 7 और ऐसे कितने, ऐसे 8 के लिए बोला है इसने। ठीक है, तो 8, तो 8 से गुना कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154। ठीक है, 22 7 154 × 4, नहीं तो आपको गुना करिए, 22 4 88, 88 × 7, 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61 × 8, 8 6 48, 4 8 8 4 12, 8 6 48 1 49 128 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, आप बड़ा ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे कि देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया कितने का पूछा था? 8 का। इसका मतलब फाइनली आपको 1 का टोटल सरफेस एरिया निकाल के 8 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर है वो 8 का मल्टीपल होगा। तो आप मुझे बताइए 8 का मल्टीपल यानी लास्ट के 3 डिजिट 8 का मल्टीपल, यहां देखेंगे तो 8 × 8, 8 × 8, 8 6 48 बिल्कुल है। ठीक, यहाँ देखेंगे 244 आठ का मल्टीपल नहीं है, यहाँ देखेंगे 158 आठ का मल्टीपल नहीं है, यहाँ देखेंगे तो है। बट आप मुझे बताइए 11 का मल्टीपल भी तो आपको चेक करना है, दो ऑप्शन आपके बचे, 1 और 4। 11 का मल्टीपल यहाँ देखता हूं तो 4 और 3 7 और 8 और 6 14, जो कि नहीं है। यहाँ देखता हूं तो 4 और 2 6 और 9 और 8 17 में 6 गए तो 11, बिल्कुल एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाना था। इतना आपको सोचना था केवल और इतना सॉल्व नहीं करना था एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं इसलिए मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और देखिए इस लेक्चर की अगर आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने समझाया पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।